गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिक्की जीत सर में। आज है 5 मार्च और आज के जितने भी शिक्षा विभाग के समाचार हैं वो इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं। तो चलते हैं, देखिए आज के अपडेट क्या है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों से ज़्यादा उपप्राचार्य, दूसरी तरफ प्रदेश के 7,000 स्कूलों में सहजता प्रधान ही नहीं, नए सत्र में कौन कराएगा पढ़ाई। नेक्स्ट अपडेट क्या है, चलते हैं देखिए। फायरमैन भर्ती परीक्षा, फायरमैन भर्ती के परिणाम में 1420 अभ्यर्थी दस्तावेज जांच के लिए सूचीबद्ध, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग। सब्जेक्ट एक्सपर्ट ऑन कॉल 8 मार्च से होगा शुरू, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं होगी शुरू। यूपीएससी ईपीएफओ में ईओ एओ और एपीएफसी के पदों पर होगी भर्ती, संघ लोक सेवा आयोग। राज्य के 134 विवेकानंद मॉडल स्कूलों में 6वीं से 8वीं कक्षा में एडमिशन के आवेदन 8 मार्च से। प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों में 5,075 एमबीबीएस सीट, देश में 8वें स्थान पर। अप्रेंटिस के 5,458 पदों पर मांगे आवेदन, यंत्र इंडिया लिमिटेड में निकली भर्ती। एसडीएम सहित 173 पदों पर अवसर, यूपी 3 अप्रैल अंतिम तिथि। टैक्सेशन असिस्टेंट के 100 पदों पर नोटिफिकेशन जारी, असिस्टेंट इंजीनियरिंग असिस्टेंट टीचर सहित अन्य पदों पर भर्ती 20 मार्च अंतिम तिथि। यूजीसी नेट परीक्षा हुई प्रभावित, एनटीए ने बताया कारण, बिजली आपूर्ति बाधित, पुलिस बुलानी पड़ी। इग्नू री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट बढ़ी। शिक्षा विभाग अधिकांश पदों पर डीपीसी पेंडिंग, 3 लाख शिक्षकों को पदोन्नति का इंतजार, 2 साल से डीपीसी बकाया चल रही है। जोधपुर को मिले 12 और महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, अब 119 हुए। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों में 76 अंग्रेजी स्कूल खोलने का प्रस्ताव। संस्कृत के समर कोर्सेज के प्रति भी रुझान, जर्मनी 12 यूनिवर्सिटीज में संस्कृत कोर्स, हर सत्र में 200 छात्र पास आउट हो रहे हैं। हर साल जर्मनी में संस्कृत दिवस पर जलसा होता है। राज्य के सबसे बड़े विभाग शिक्षा विभाग में ये कैसी व्यवस्था। बोर्ड परीक्षा की तैयारियों के लिए केंद्राधीक्षकों को मिलेगा एक ही दिन, पेपर वितरण आज, कल सेंटर पर ड्यूटी, 7 और 8 को छुट्टी, 9 से परीक्षा। बेरोजगारों ने किया चयन बोर्ड कार्यालय का घेराव। रेलवे 19 साल में भी नहीं दी नियुक्ति, अब शीर्ष कोर्ट में रेलवे के जीएम तलब। अब विद्यार्थी को कोर्स कोई समस्या है या टिप्स लेनी है तो एक फोन पर मिलेगी सब्जेक्ट एक्सपर्ट की मदद। बीकानेर निदेशालय ने बोर्ड परीक्षाओं के लिए जारी किया आदेश। 12वीं की परीक्षा पहले 6 दिनों में 72,000 स्टूडेंट्स ही एग्जाम देंगे। 20 मार्च से रोज औसतन 5 लाख प्लस विद्यार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। राज्य और केंद्र के संस्थानों में होली व धुलंडी की छुट्टी अलग अलग, कोटा विश्वविद्यालय और आरटीयू में 8 मार्च को कुलपति अवकाश घोषित। नेट पीजी परीक्षा आज, सेंटर में प्रवेश सुबह 7 बजे से। जिले के 8 और मदरसों में स्मार्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चे, 2 साल से ग्रांट नहीं मिलने से छोटे काम भी अटके हैं। 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स को स्किल ट्रेनिंग मिलेगी, सीबीएसई का नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने का प्रयास, 12 विषयों के लिए फ्रेमवर्क तैयार किया। रूस यूक्रेन युद्ध, भारतीय स्टूडेंट्स को पड़ा महंगा, यूक्रेन में एमबीबीएस के 40 की जगह 55 लाख रुपए लग रहे हैं। काउंसलिंग व यूनिवर्सिटीज पर जीएसटी की मार, देना होगा 18% टैक्स। 6 सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेजों को मिली मान्यता, डिप्लोमा डिग्री कर चुके विद्यार्थियों की सूची मांगी। दोस्तों ये थी आज की अपडेट, आज का अच्छा सा सुविचार, ये जरूरी नहीं कि आपका हर करीबी व्यक्ति आपका शुभचिंतक ही हो, इसमें से कुछ आपका शुभ होता देखकर चिंतित भी हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आज की अपडेट समाप्त हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।